चुनावी संग्राम के बीच कर्नाटक बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। 40 से अधिक दिग्गज नेता कांग्रेस में होंगे शामिल, भाजपाइयों में मची खलबली। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके सुकुमार ने बड़ा दावा किया है। डीके सुकुमार ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। सुकुमार ने कहा कि ये वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी जेडीएस गठबंधन का विरोध किया है। सुकुमार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर भी ऐसा ही दावा किया है। सुकुमार ने पूर्व भाजपा विधायक रामपाल लमानी के बाद पत्रकारों से बात की। लमानी को मई में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। टिकट काटे जाने के बाद वह अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लमानी ने कहा था कि वह बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, शिवकुमार ने आगे कहा कि 40 से ज्यादा नेताओं के आवेदन मेरे पास हैं। ये सभी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है। हालांकि शिवकुमार ने इन नेताओं के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं से बातचीत कर हम इन्हें एक एक कर पार्टी में शामिल कर रहे हैं। शिवकुमार ने बताया कि बीजेपी और जेडीएस के ये नेता बीदर से लेकर दक्षिण में चामराजनगर तक हैं। वहीं आपको बता दें, शिवकुमार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर भी बड़ा दावा किया। शिवकुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 100 से ज्यादा नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाले जेडीएस ने पिछले महीने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था।